हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत गोयल और आप देख रहे हैं कैट ट्यूब्स। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको लाइन, रेक्टेंगल और सर्कल कमांड सॉलिडवर्क्स में अप्लाई करना सिखाया था। और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आर्क, लाइन और एलिप्स कमांड कैसे अप्लाई करते हैं। तो उससे पहले कुछ उनकी डेफिनेशन हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपके लिए नोट्स पिछली बार भी बना के रखे थे, इस बार भी बना के रखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो है, व्हाट इज़ एन आर्क। इन जनरल एन आर्क इज एनी स्मूथ कर्व जॉइनिंग टू पॉइंट्स। इन पर्टिकुलर एन आर्क इज एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। और मैंने कुछ एक इमेज भी रखी है जो यहाँ पर आपको बताएगी कि आर्क कैसी दिखती है, और आप ये सब जानते भी होंगे। अब टाइप्स ऑफ आर्क सॉलिडवर्क्स में कितनी तरह की होती है, मतलब आप कितनी तरह की आर्क सॉलिडवर्क्स में लगा सकते हैं। तो सबसे पहली जो आती है वो है सेंटर पॉइंट आर्क, दूसरी जो आती है टेंजेंट आर्क, तीसरी थ्री पॉइंट आर्क। ये जब आप करेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये कैसे कैसे अप्लाई होनी है। बस ये लगाने के तरीके हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्क नहीं है। अब जो सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है वो है, व्हाट इज़ एन एलिप्स। एलिप्स क्या है? एन एलिप्स इज़ ए कर्व इन ए प्लेन सराउंडिंग टू फोकल पॉइंट्स सच दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द टू फोकल पॉइंट्स इज कांस्टेंट फॉर एवरी पॉइंट ऑन द कर्व। दो फोकल पॉइंट का डिस्टेंस, जो सेंटर से दो फोकल पॉइंट होंगे एलिप्स के सर्कमफ्रेंस पे, उनके सम ऑफ डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तब वो जो कर्व बनाएंगे वो है एलिप्स। अब एलिप्स कितने तरह की हैं सॉलिडवर्क्स में जो आप लगा सकते हैं, वो है एलिप्स सिंपल एलिप्स, पार्शियल एलिप्स, जैसे आर्क होती है वैसी है पार्शियल एलिप्स, पैराबोलिक, कॉनिक। अब एलिप्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है, सर्कमफ्रेंस ऐसा सा होता है। इसमें जो आपको सॉलिडवर्क्स में देखने वाली चीज़ है, एक तो है सेंटर। अगर आपको सेंटर दिया होगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं दिया होगा तो और भी तरीके हैं लगाने के। और दूसरी है सेमी माइनर एक्सिस एंड सेमी मेजर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस दो रेडियाई होते हैं एक तरह के, जैसे सर्कल में रेडियस होता है वैसे ही इनमें रेडियस होते हैं। दोनों रेडियस अपने अपने कर्वेचर को डिफाइन करते हैं, जो हर एक फोकल पॉइंट की हमें डिस्टेंस बता देता है सेंटर से, ताकि हम एलिप्स बना सकें। आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो है स्प्लाइंस। दोस्तों ये जो है स्प्लाइंस बहुत कंफ्यूज करने वाली बात होती है, लेकिन ये एक कर्व ही होता है और इसका सॉलिडवर्क्स में इम्पॉर्टेंट यूज़ है। बहुत अच्छी तरह लग जाती है, बहुत इजी वे में लग जाती है, और मैंने इसमें लिखा भी हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है मैंने। इन कंप्यूटर साइंस सब फील्ड ऑफ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, द टर्म स्प्लाइन मोर फ्रिक्वेंटली रेफर्स टू ए पीस वाइज पॉलिनोमियल कर्व। Spline are popular curves in these subfield because of the simplicity of their construction, their ease and accuracy of evaluation, and their capacity to approximate complex spaces through curve fitting and intuitive curve design. आपको कुछ basic points देने होंगे, उस हिसाब से अपनी tangent लेगी, reference tangent और अपने curve को define करती हुई चलेगी। ये कुछ ellipse ऐसे दिखते हैं और कुछ एक इनके ये वाले पॉइंट्स हैं जहाँ पी लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ स्प्लाइन जो आप सॉलिडवर्क्स में लगा सकते हैं वो हैं सिंपल स्प्लाइन, स्टाइल स्प्लाइन और इक्वेशन ड्रिवन कर्व। सिंपल स्प्लाइंस में आपको पॉइंट्स देने होते हैं और ये अपना कर्व डिफाइन कर लेती है। स्टाइल स्प्लाइन में आप इसके टेंजेंट्स को भी देख पाते हैं कि कौन से टेंजेंट से ये होके गुजर रही है। अगर आप उसके टेंजेंट्स को मूव करेंगे तो इसका कर्व भी मूव होगा। और इक्वेशन ड्रिवन कर्व, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, आपको कुछ इक्वेशन देनी पड़ेगी, कुछ एक्स एक्सिस के पॉइंट देने पड़ेंगे, कुछ वाई एक्सिस के पॉइंट देने पड़ेंगे, कुछ स्लोप देना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वेशन कर्व बना पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सॉलिडवर्क्स से। अब मैंने सॉलिडवर्क्स खोला, तो वही आप पार्ट मॉडलिंग खोलेंगे, ओपन पे जाके पार्ट मॉडलिंग पे डबल क्लिक, ये आ गया हमारी ड्राइंग शीट। स्केच कमांड सेलेक्ट करेंगे। अब मैं फ्रंट प्लेन नॉर्मल टू करता हूँ, यानी फ्रंट प्लेन पे मैं ड्राइंग बनाऊँगा। तो सबसे पहले आपको बताएंगे आर्क। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आर्क है तीन तरह की, सेंटर पॉइंट आर्क,
टेंजेंट आर्क, थ्री पॉइंट आर्क, सेंटर पॉइंट आर्क दोस्तों ऐसे लग जाएगी, लेकिन टेंजेंट के लिए आपको दो पॉइंट स्पेसिफाई चाहिए और थ्री पॉइंट आर्क के लिए आपको तीन पॉइंट स्पेसिफाई होने चाहिए या तीन पॉइंट आपको देने पड़ेंगे। तो पहले सेंटर पॉइंट आर्क से शुरू करते हैं। मैंने सेंटर पॉइंट आर्क सिलेक्ट करी, ओरिजिन पे गया, उसको रेडियाई दिया। अब उसको मैं एंगल दूंगा, कितने एंगल तक लगानी है। सपोज मैं 272 तक लगाना चाहता हूँ या 242 तक लगाना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। ये दोस्तों आपकी आर्क लग गई। ऐसे ही दोस्तों अगर आपको टू टेंजेंट आर्क की तो आपके पास टू पॉइंट्स होने चाहिए, वरना ये ऐसे नहीं लगेगी। ये देखिए, प्लीज़ सिलेक्ट एन एंड पॉइंट ऑफ ए स्केच सेगमेंट। तो जैसा कि मैंने पिछली आर्क बनाई थी, मैं इसी में से बना देता हूँ। मैंने एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, और ये आपकी आर्क लग गई। अगर आपको कहीं और लगानी है, सपोज आपको ये लगानी है दूसरी तरह से, मतलब उस कनकेव की जगह आपको एक कन्वेक्स आर्क लगानी है, तो आप पॉइंट्स डिफरेंट कर सकते हैं। पहले मैंने वो वाला पॉइंट चुना था, अभी मैं ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैंने ये लगा दी आर्क। थ्री पॉइंट आर्क क्या होती है? थ्री पॉइंट आर्क के लिए आपको पॉइंट्स नहीं चाहिए, बस आपको पॉइंट्स देने पड़ेंगे। थ्री पॉइंट आर्क ये कुछ ऐसी सी होती है। दोबारा से बता देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट पॉइंट दिया, अब आपको सेकंड पॉइंट देना है, जहाँ पर भी आपका होगा डायग्राम के हिसाब से। और फिर इसको कर्वेचर देना है। जितना आप कर्वेचर देते जाएंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव में, ये उस हिसाब से अपने आप को सेट करता रहेगा। ये हो गई दोस्तों हमारी आर्क। चलिए एलिप्स क्वाड्रेंट पे चलते हैं। एलिप्स आप देख रहे हैं चार तरह के हैं, एलिप्स, पार्शियल एलिप्स, पैराबोलिक एंड कॉनिक। पहले एलिप्स पे से शुरू करते हैं। एलिप्स कमांड हमने सेलेक्ट करी, सेंटर पॉइंट लिया, फिर इसको एक रेडियाई दिया। अब ये बताएगा कि आपको ये आपने मेजर रेडियाई लिया है या माइनर रेडियाई लिया है। अगर आपका रेडियाई इधर वाला बड़ा है तो आपका ये होगा मेजर रेडियाई, यानी सेमी मेजर एक्सिस। और अगर आपका रेडियाई ये छोटा है, ये वाला बड़ा है, लॉन्ग है, और ये वाला शॉर्ट है, तो ये आपका होगा सेमी माइनर रेडियाई। ये हो गया आपका पार्शियल एलिप्स। अब जो दूसरा है वो आता है एलिप्स। अब अगला जो कमांड आती है वो आपकी पार्शियल एलिप्स। ये आर्क की तरह होती है, आर्क 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 की तरह होती है। आपने सेंटर लिया, सेमी मेजर एक्सिस ली, सेमी माइनर एक्सिस ली, और फिर इसको जहाँ तक आपको इसका कर्वेचर चाहिए वहाँ तक दिया। पूरा सर्कमफ्रेंस नहीं आ रहा है, ये सिर्फ पार्शियली आ रहा है जहाँ तक आपको ज़रूरत है। अब आता है दोस्तों आपको पैराबोला। पैराबोला को आपको पता ही होगा पैराबोला क्या होता है। दो पॉइंट्स जो मीट नहीं करते हैं, लेकिन उनका कर्वेचर एलिप्स की तरह होता है। हम मैंने ओरिजिन से पहले इसको दिया कर्वेचर का डिस्टेंस, मतलब ए पॉइंट का डिस्टेंस दिया, और फिर एक पॉइंट सेलेक्ट करा जहाँ से जहाँ तक कर्वेचर लगानी है। दो पॉइंट्स देने होते हैं आपको इसमें। पहला पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट, ये हो गया कर्वेचर। दोस्तों ये अपना डिस्टेंस अपने आप ही स्पेसिफाई कर लेता है इस डिस्टेंस और कर्वेचर के रेडियाई से। अब अगला जो एलिप्स कमांड में आता है वो है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन देखिए किस तरह लगाते हैं। आपको पहले पैराबोलिक की तरह इसको कर्वेचर का डिस्टेंस देना है। जब ये दो पॉइंट सिलेक्ट कर लेगा, जब आपसे एक कर्वेचर मांगेगा, किस कर्वेचर पे आपको ये लगाना है, यहाँ पर जहाँ पर लगाना है इस पे डबल क्लिक करना है दोस्तों, फर्स्ट सेकंड, तब जाके ये कमांड आपकी अप्लाई होगी, यानी सॉलिड में, यानी लाइन डायग्राम में आएगी। चलिए दोस्तों एलिप्स कमांड आप सीख गए होंगे। अब चलते हैं स्प्लाइन पे, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब आप इसको चलाना सीख जाएंगे तब ये आपके लिए और भी उतना ही इजी हो जाएगा।
अब स्प्लाइन कमांड आपके पास यहाँ पर आ रही है तीन तरह की, स्प्लाइन स्टाइल स्प्लाइन इक्वेशन ड्रिवन कर्व। स्प्लाइन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था पॉइंट वाइज कर्व होती है, आपको इसको पॉइंट देते हुए चलना है। हर एक पॉइंट दूसरे का कर्व भी डिफाइन करेगा। जब आपकी कमांड यहाँ ख़त्म हो जाए तो आपने एस्केप दबा देना है। सपोज दोस्तों अगर आपका कर्वेचर बन गया है तो कर्वेचर को बना दीजिए, यह आपका आखिरी पॉइंट है, लेकिन जब आप हिलाते हैं तो ये हिल जाती है, तो आप इसी पॉइंट पे रहिए और एस्केप कमांड दबा दीजिए और ये यहीं सेटल हो जाएगी। और अगली स्प्लाइन कमांड आती है वो है स्टाइल स्प्लाइन। देखिए दोस्तों आपको देने इसमें भी पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये अपना टेंजेंट डिफाइंड करती है कुछ इस तरह। अगर आप इसके टेंजेंट को मूव करेंगे तो ये कर्व मूव होगी। होप आप लोग समझ गए होंगे, बाकी जो काम है वो आप प्रैक्टिस से आने पे होएगा ये। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, देखते रहिए कैटियस्ट और प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कीजिए, वरना मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।